नमस्कार, स्मार्ट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका रील्स वीडियो डिलीट हो गया है, गलती से आपने किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी पोस्ट को आपने गलती से डिलीट कर दिया है, इंस्टाग्राम के रील्स पे से डिलीट हो चुका है, तो उसे आप फिर से वापस कैसे ला सकते हैं। अगर आपने कोई रील्स वीडियो को गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे भी आप कैसे वापस ला सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। एक बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कीजिए। ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर में एक थ्री लाइन्स का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। अब थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अब अकाउंट में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, रिसेंटली डिलीटेड। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीटेड का वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितना भी आपने जो जो चीज़ को डिलीट किया है, तो यहाँ पर आपको जितना भी आपने फोटो वीडियो या फिर रील्स वीडियो किसी भी चीज़ को आपने डिलीट किया है या फिर आपसे गलती से डिलीट हो चुका है, तो उसे आप इसे रीस्टोर फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कोई भी वीडियो पे, जो आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर एक ही वीडियो को डिलीट किया हूँ इसलिए मेरे पे एक दिख रहा है। अगर आपने बहुत सारे किए होंगे तो आपको सभी दिख जाएंगे वीडियो। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिस वीडियो को आपको रीस्टोर करना है उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं नीचे। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, मोर ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं परमानेंट, या फिर आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रीस्टोर करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये वीडियो फिर से वापस लाना है, तो हमें यहाँ पर रीस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये है रीस्टोर हो चुका है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर परमानेंटली डिलीट कॉन्टैक्ट में से यहाँ पर एक OTP अगर आपको चाहे तो आप पूछ सकता है या फिर नहीं भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे OTP पूछे तो आप यहाँ से डाल लीजिए, मेरे पे OTP पूछ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन लगा के रखा है सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो OTP यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आप में OTP पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रीस्टोर हो चुका है वीडियो अब। तो देख सकते हैं कि हमने OTP यहाँ पर डाल दिया है और OTP डालने के बाद यह जो हमारा वीडियो है वो हमारा रीस्टोर हो चुका है यहाँ पर। अब हम रीस्टोर पे क्लिक करके देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो हमेशा के लिए रीस्टोर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर रीस्टोरेड व्यू स्टोरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी वीडियो या फिर जो रील्स वीडियो है वो हम डिलीट कर देंगे तो उसे हम फिर से वापस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो ये वीडियो आप सभी को अगर काम का लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही काम का वीडियो लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।